ये ढूंढाड़ शैली की उपशैली है, अलवर उपशैली या अलवर चित्र शैली। और लगभग शायद मैंने थोड़ा बहुत इसमें बता भी दिया था कि उमेद सिंह का जो विनय सिंह का शासनकाल था, वो इस चित्र शैली का स्वर्णिम काल रहा था। इसमें जो चित्र बने हैं उनमें वेश्याओं के चित्र जो हैं वो फेमस रहे हैं, या वेश्या प्रधान चित्र। आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था कि कौन सी चित्र शैली में इस प्रकार के चित्र बने हैं, तो उसमें अलवर चित्र शैली आएगा। और इसका जो चित्रांकन है वो कहाँ कहाँ किया गया था, एक तो इसमें कामशास्त्र पे चित्र बने हैं, दूसरे हाथी दांत से संबंधित चित्र भी इसमें बने हैं। ठीक है, हाँ ये हो गया था ये सारा अलवर का। अब अलवर के बाद है उनियारा शैली। उनियारा शैली टोंक में है ये, हाँ उनियारा उपशैली टोंक में है। तो स्थिति के भौगोलिक स्थिति इसकी देखी जाए तो नीचे क्या है इसमें, हाड़ोती, और ये ढूंढाड़ की उपशैली है। ठीक है, तो ये ऊपर तो इसमें क्या पड़ रहा है, ढूंढाड़, और नीचे हाड़ोती आ रहा है, तो दोनों का मिक्सचर है इसमें। दोनों ही चित्र शैलियों का क्या है, मिश्रित रूप माना गया है इसको। उनियारा शैली ये ढूंढाड़ एवं ये है ढूंढाड़ एवं हाड़ोती शैली का मिश्रित रूप है। यह है ढूंढाड़ एवं हाड़ोती शैली का मिश्रित रूप है। इसमें प्रमुख जो चित्रकार हैं वो कौन कौन हैं, उनियारा के लिख लो इसके चित्रकार, भीमा, धीमा, काशी, रामलखन और मीरबख्श। भीमा, धीमा, काशी, रामलखन और मीरबख्श, ये उनियारा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। अब इनमें से किसी का भी नाम आ सकता है। मीरबख्श पूछा हुआ है, मीरबख्श किस चित्र शैली से संबंधित है, तो ये आएगा उनियारा से। बाकी भीमा एक नाम भी पूछ सकते हैं कोई भी देकर के, तो ये ध्यान रखना, भीमा, धीमा, काशी, रामलखन और मीरबख्श। ठीक है, इसके बाद देखो शेखावाटी। शेखावाटी चित्र शैली, शेखावाटी मीन्स हो गया सीकर, चूरू और झुंझुनू वाले जो क्षेत्र में जो चित्र शैली फेमस है उसको किस नाम से जानेंगे, शेखावाटी। और यहाँ के चित्रकारी के लिए ही ये शेखावाटी विशेष रूप से फेमस हुआ है। जैसे हवेलियों पे जो चित्रण देखने को मिलते हैं यहाँ की, तो ये हवेली चित्रण के लिए फेमस है। लिखो शेखावाटी की हवेलियाँ, शेखावाटी की हवेलियाँ अपने भित्ति चित्रण हेतु, भित्ति चित्रण जानते हो ना, दीवारों पे चित्रकारी, भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध है। शेखावाटी चित्र शैली अपने भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध है। इसमें यूरोपियन प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिलता है। इसमें यूरोपियन प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिलता है। यूरोपियन प्रभाव, यूरोपियन जो है बनावट, पेंटिंग वगैरह जो है उस टाइप की है इसकी। इस पर यूरोपियन प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिलता है। कलर में कैसे कलर यूज हुए हैं इसमें, नीला एवं हरा कलर, नीले एवं हरे रंगों का इस चित्रशैली में प्रयोग हुआ है। नीले एवं हरे रंग का इसमें प्रयोग हुआ है। उदयपुर वाटी की जोगीदास की छतरी, हाँ सीकर में जोगीदास की छतरी, ये कहाँ है, उदयपुर वाटी में है।
जोगीदास की छतरी ये उदयपुर वाटी में है। इसके जो भित्ति चित्र हैं वो चित्रकार देवा के द्वारा बनवाए हुए हैं। चित्रकार कौन है इसका? देवा। जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी के भित्ति चित्र चित्रकार जोगीदास सॉरी चित्रकार देवा के द्वारा बनवाए गए हैं। चित्रकार देवा के द्वारा बनवाए हुए हैं। तो ये ढूंढाड़ की चार जो हैं उपशैलियाँ थी, जिसमें हमने आमेर उपशैली को पढ़ा, उसके अलावा अलवर, उसके बाद में उनियारा और लास्ट है सेखावाटी। अब सेखावाटी की हवेलियाँ जो हैं वो जब हम राजस्थान के किले, महल और हवेलियाँ पढ़ेंगे उसमें पढ़ लेंगे। सेखावाटी में बहुत सारी हवेलियाँ हैं और हवेलियों का सीधा सीधा नाम पूछ लिया जाता है कि संबंधित हवेली कहाँ पर है, ठीक है। अब चित्रशैलियों में जो है मेन बात यही है कि एक तो भित्ति चित्रण ध्यान रखना है, कलर ध्यान रखना है, और दूसरा जो है जोगीदास की छतरी ये चित्रशैली किस चित्रकार से चित्रित है? देवा नामक चित्रकार से है। ये आयवा क्वेश्चन है इसलिए इसको लिखवाया है। अब आ जाओ इसके बाद में हाड़ोती की चित्रकला। हाड़ोती की हाँ हाड़ोती में आएंगे, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ हाड़ोती की चित्रशैली। इसमें दो पढ़ेंगे हम, बूंदी और कोटा, क्योंकि बारा कोई अपने आप में कोई राजघराना नहीं रहा, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा कोई चित्र ज़्यादा क्या उसमें चित्र बने ही नहीं। और झालावाड़ जो है सबसे नवीनतम जो है बहुत बाद में बना है रियासत, इसलिए वहाँ पर भी चित्रकारी का काम नहीं हुआ, सिर्फ दो जगह हुआ है, कोटा और बूंदी में। और हम पहले लेते हैं बूंदी को, बूंदी चित्रशैली। बूंदी चित्रशैली की अपने आप में विशेषता है, एक तो ये क्षेत्र बहुत ही हरा भरा क्षेत्र है। कोटा बूंदी हाड़ोती जो पूरा क्षेत्र है वो कैसा है? हरा भरा है, इसलिए यहाँ जो चित्र बने हैं वो प्रकृति प्रधान चित्र बने हैं, यानी पर्यावरण को ध्यान में रख करके, प्रकृति को ध्यान में रख करके इन्होंने चित्र बनाए हैं, जिसमें पशु पक्षियों के चित्र मिलेंगे, पेड़ पौधों के चित्र मिलेंगे, शिकार करते हुए चित्र मिलेंगे, ऐसे चित्र इसमें ज़्यादा बने हैं। उसके अलावा नारी सौंदर्य पर आधारित भी चित्र इसमें बनाए गए हैं, ठीक है। लिखो इसमें बूंदी चित्रशैली, यह सुरजन हाड़ा के समय प्रारंभ हुई। राजा कौन थे? सुरजन हाड़ा। हाँ, पहले बूंदी था, कोटा भी बाद में बना था, इसलिए शुरुआत बूंदी से हुई है इस चित्रशैली की, और शुरुआत की है सुरजन हाड़ा ने। बूंदी चित्रशैली का प्रारंभ सुरजन हाड़ा से माना जाता है। सत्रु साल हाड़ा पढ़े थे। सत्रु साल हाड़ा ने रंग महल का निर्माण करवाया। रंग महल निर्माण किसने करवाया है? सत्रु साल हाड़ा ने रंग महल का निर्माण बूंदी चित्रशैली में सत्रु साल हाड़ा के द्वारा करवाया गया। रंग महल अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। रंग महल अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आप क्यों नहीं लिखते हो? अच्छा, पहले कहाँ पढ़ा है? अच्छा, रंग महल का निर्माण सत्रु साल हाड़ा के द्वारा करवाया गया और ये अपने भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। हो गया। इसके बाद यहाँ पे राजा उम्मेद सिंह हुए थे। उम्मेद सिंह का काल इसका स्वर्णिम काल माना जाता है। उम्मेद सिंह उम्मेद सिंह वो जोधपुर के अलग हैं, ये बूंदी के हैं। उम्मेद सिंह का काल इसका क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है। बूंदी चित्रशैली का स्वर्णिम काल उम्मेद सिंह का समय माना जाता है। और इन्होंने किसका निर्माण करवाया था? चित्रशाला का निर्माण करवाया इन्होंने। मैं
मेवाड़ में भी चित्रशाला का निर्माण हुआ था, जयपुर में भी चित्रशाला का निर्माण हुआ है और बूंदी में भी चित्रशाला का निर्माण हुआ है। अब निर्माण किस किस ने करवाया है वो तीनों ध्यान रखने। यहाँ उम्मेद सिंह ने करवाया था मेवाड़ में, जगत सिंह ने, और जयपुर में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स प्रताप सिंह ने। ठीक है, तो यहाँ स्वर्णिम काल है और इसको चित्रशाला का इन्होंने निर्माण करवाया, लिख लिया। इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है, चित्रशाला को इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। कोष्टक में चित्रशाला लिख लो अगर समझ में नहीं आ रहा तो। चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। नहीं, अभी तक तो पूछे नहीं है, बाकी कई बार क्या होता है पूछ लेते हैं एक दो क्वेश्चन ऐसे। पूरा पेपर फैक्चुअल बेस नहीं होता, दो चार क्वेश्चन तो अप्लाइड आते ही आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मेरे को राजस्थान से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर इंडिया लेवल के जेके है उसमें अगर ऐसा पूछा जाए कि हुमायूं को लड़खड़ाता हुआ शासक क्यों कहा जाता है, हुमायूं के बाकी जो हैं युद्ध कब हुआ, कब विजेता बना, कब हारा, कब किससे क्या हुआ, वो सारे फैक्ट नहीं पूछ करके उसने सीधा पूछ लिया हुमायूं को लड़खड़ाता हुआ शासक क्यों कहा जाता है, तो एनालिटिकल क्वेश्चन हो गया। उसमें हमें उसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि वो लड़खड़ाता हुआ क्यों कहा गया उसको, कि कभी भी उनका शासन स्थायी नहीं रहा, कभी वो दिल्ली के साम्राज्य के पूरे मालिक थे, फिर उसके बाद शेरशाह सूरी आए, उनको भागना पड़ा छोड़ के, फिर वो 5-6 साल तक जो है पाकिस्तान में रह के आए, उसके बाद वापस जो है वो दिल्ली के 1-2 साल के लिए शासक बने, फिर वो लड़खड़ाते, लास्ट में उनकी मृत्यु भी लड़खड़ाते हुए होगी कि जब वो उस अपने एक लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहे थे तो गिरते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए कहते हैं कि जिंदगी भर क्या है लड़खड़ाते रहे। तो इस टाइप के जो अप्लाइड क्वेश्चन हैं बन सकते हैं, हाँ अप्लाइड बोलते हैं इनको, यानी फैक्ट कुछ भी नहीं है, आपको उनकी बैक हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे क्या रहा। आंसर आपका खुद का ऑन टाइम जो है मेकिंग होगी, ना कोई रटा हुआ होगा, कुछ भी नहीं होगा, आप खुद अपने माइंड से जो लिखोगे वो तो आरएस में पूछ लिए जाते हैं, इस टाइप के 2 नंबर में भी आ सकते हैं, मेंस में आ जाते हैं। और उसमें प्री जो होता है, प्री या जो भी किसी भी एग्ज़ाम का प्री होता है, उसमें भी 1-2 अप्लाइड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो अपना सिर्फ टारगेट यही नहीं होता कोई छोटा एग्ज़ाम देना, तो अपना हर चीज़ का है थोड़ा थोड़ा लेके चलना पड़ेगा। अब इसके बाद देखो, उमेद सिंह ने, इसी में लिखो, उमेद सिंह ने जंगली सुअर का शिकार करते हुए भित्ति चित्र बनवाए हैं। पूछा जाए महाराणा प्रताप सिंह को, महाराणा नहीं, जयपुर के जो राजा हैं प्रताप सिंह को, यह प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया था। अब ये तो हमें पता है कि प्रताप सिंह ने हवा महल भी बनवाया, और ये भी पता है कब बनवाया था और उसमें कितने झरोखे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, सब पता है हमें। किस उद्देश्य से करवाया था? श्री कृष्ण जी के मुकुट के समान दिखाई देता है, तो उन्होंने क्यों करवाया मुकुट के समान, और भी बहुत सारी आकृतियां हो सकती थी। वल्लभ संप्रदाय से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण जी जो उनके आराध्य देव थे उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया। हमें पता सब कुछ है, लेकिन जो है ना थोड़ा सा घुमा देते हैं तो फिर दिमाग में नहीं आता, वो ऑप्शन 4 ऐसे बनाते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं वो, कि वो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे या वल्लभ संप्रदाय से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। सेकेंड में दे देंगे कि नहीं, कृष्ण जी से संबंधित कुछ देंगे जिससे कि कंफ्यूज हो जाएंगे कि वल्लभ संप्रदाय, और दूसरा दे देंगे कृष्ण भक्त थे, तो वो दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए। फिर लास्ट में इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, यही इनमें से सभी भी हो सकते हैं, इस टाइप का कुछ बना सकते हैं। ठीक है, लिखो इसमें अब नेक्स्ट।
इस शैली की विशेषताएं लिखो, हाड़ौती चित्रशैली की विशेषताएं। हाड़ौती चित्रशैली की विशेषताएं। इस चित्रशैली पर मेवाड़ शैली का प्रभाव अत्यधिक रहा है। मेवाड़ शैली का प्रभाव अत्यधिक रहा है। प्रकृति चित्रण सर्वाधिक हुआ है। प्रकृति चित्रण सर्वाधिक हुआ है। प्रकृति चित्रण समझते हो, पशु पक्षी एवं पेड़ पौधों का चित्रण कोष्टक में कर लो, पशु पक्षी एवं पेड़ पौधों का चित्रण। ये भी पूछा गया है कि कौन सी चित्र शैली जिसमें सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है, बूंदी शैली में पशु पक्षी एवं पेड़ पौधों का चित्रण सर्वाधिक हुआ है। हरे रंग का प्रयोग भी सर्वाधिक हुआ है। एरो बनाते जाओ, नेक्स्ट लाइन में लिखो, हरे रंग का प्रयोग भी सर्वाधिक हुआ है। हरे रंग का प्रयोग भी सर्वाधिक हुआ है। केले खजूर एवं सरोवर से संबंधित चित्र भी बनाए गए। केले खजूर एवं सरोवर से संबंधित चित्र भी बनाए गए हैं। कोटा और हाड़ौती वाला क्षेत्र भी क्या है, वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित क्षेत्र है। यानी कृष्ण जी के जो है चित्र यहाँ भी बने हैं, इसलिए यहाँ भी केले के वृक्ष की प्रधानता देखने को मिलती है। लेकिन केले का वृक्ष अगर पूछा जाए तो नाथद्वारा शैली उसके लिए फेमस है। आंसर में हमें नाथद्वारा करना है। मतीराम की पुस्तक रसराज का चित्रण भी इसी शैली में हुआ है। मतीराम, इनकी किताब का क्या नाम है, रसराज। और रसराज का चित्रण जो है वो भी किस में हुआ है, बूंदी शैली में हुआ है। मतीराम की पुस्तक रसराज का चित्रण भी इस शैली में हुआ है। इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन है वो लिख लो, प्रमुख चित्रकार। बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार रामलाल, सुरजन, अहमद और साधुराम। रामलाल, सुरजन, अहमद और साधुराम, ये क्या है, इसके प्रमुख चित्रकार हैं। हो गया। अब है नेक्स्ट कोटा शैली, कोटा उपशैली लिख लो। बूंदी शैली का प्रारंभ किससे माना गया है, सुरजन हाड़ा से माना गया है। सर्वाधिक पशु पक्षी और प्राकृतिक चित्रण किस शैली में हुआ है, बूंदी शैली में। शत्रुसाल हड़ा के समय किसका चित्रण हुआ था, रंग महल का चित्रण हुआ था। चित्रशाला का निर्माण किस शासक के समय हुआ है बूंदी शैली में, उमेद सिंह के समय हुआ था। भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, चित्रशाला को कहा जाता है। अभी तो जस्ट अभी बात कर रहे हो कि उमेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया है, फिर बोल रहे हो इसी को क्या कहा जाता है, चित्र शैली का या भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। उसके अलावा पूछा जाए कि ये क्या नाम थे इसके, रसराज का चित्रण किसके द्वारा हुआ था, मातेराम के द्वारा हुआ था। साधुराम चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है,
बूंदी शैली से। अब ध्यान रखना है, एक एक बंदे का नाम बहुत सारे हो गए हैं तुम्हारे अभी तक। साधु राम किससे संबंधित है? बूंदी से। कोटा में लिखो। कोटा शैली जो है ये ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बूंदी जैसी ही है। इसमें भी प्राकृतिक चित्रण हुआ है, युद्ध प्रधान चित्र इसमें ज़्यादा बने हैं। उसमें तो प्राकृतिक चित्रण ज़्यादा हुआ है, पेड़ पौधों का, पशु पक्षियों का बूंदी में। लेकिन कोटा में किसके चित्र बने हैं? शिकार प्रधान चित्र ज़्यादा बने हैं, औरतों को भी शिकार करते हुए इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो इस चित्र शैली की विशेषता जो है ये राम सिंह से प्रारंभ होती है और युद्ध प्रधान इसमें चित्र बने हैं, भित्ति चित्र भी इसमें काफ़ी बने हैं। देखो इसमें ये राम सिंह के समय प्रारंभ हुई है। राम सिंह के समय प्रारंभ हुई है। भीम सिंह के समय इस पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखा गया। एवं उम्मेद सिंह का समय इस चित्रशैली का स्वर्णिम काल माना जाता है। हाँ वही है, उम्मेद सिंह का समय कोटा शैली का स्वर्ण काल था। इसमें एक चित्रकार हुए थे डालू। डालू ने रागमाला सेट की चित्रण किया है। रागमाला सेट, डालू चित्रकार थे जिन्होंने रागमाला सेट का चित्रण किया। अब इसकी विशेषताएं हैं वो लिख लो। विशेषताएं, इस चित्र शैली में शिकार प्रधान चित्र बने हैं। महिलाओं को भी पशुओं का शिकार करते हुए दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लाइन। स्त्रियों का चित्रण या नारी सौंदर्य का चित्रण, नारी सौंदर्य का चित्रण भी हुआ है। तो ये अपनी चित्र शैलियाँ सारी कंप्लीट हो गई हैं। हाड़ौती में दो ही थी, कोटा और बूंदी, दोनों हो गई हैं। दुधाड़ में चार पढ़ी हमने, आमेर, अलवर, उनियारा और शेखावाटी। इसके अलावा मारवाड़ में हमने बहुत सारी पढ़ी थी, जिसमें बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, जैसलमेर और अजमेर। और मेवाड़ जो शैली थी उसकी उपशैलियाँ हमने चार थी देखी थी, जिसमें चावंड, नादवारा और देवगढ़, तीन ही थी, है ना? ठीक है, तो ये चित्र शैलियाँ जो हैं इनमें कंप्लीट हो गई हैं। अब कुछ चित्रकार हैं और उनकी कुछ जो हैं चित्रित ग्रंथ हैं या चित्रित उनकी रचनाएं हैं, तो उनके जो हैं फैक्ट लिख लो। लिखो राजस्थान के आधुनिक चित्रकार। फर्स्ट है राम गोपाल विजय वर्गीय।
राम गोपाल, विजय वर्गीय। इनके गुरु का नाम था शैलेंद्र नाथ डे। रामगोपाल विजयवर्गीय गुरु का नाम था इनका शैलेंद्र नाथ डे। ये ऐसे पहले चित्रकार थे ये ऐसे प्रथम चित्रकार थे जिन्हें एकल चित्र प्रदर्शनी लगाना शुरू किया था। एकल एकल चित्र प्रदर्शनी लगाना शुरू किया था और इसके लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। एकल चित्र प्रदर्शनी यानी इनके खुद के जो बनाए गए एक 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 पोर्ट्रेट थे उनसे संबंधित इन्होंने प्रदर्शनियां लगाने शुरू किया। पहले वो एग्जीबिशन लगती थी उसमें बहुत सारे चित्रकार अपनी प्रदर्शनियां लगाते थे, इन्होंने एकल चित्र प्रदर्शनी खुद के चित्रों की लगाना शुरू किया था। इस बेस पर इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। इनकी पुस्तक का नाम है अभिसार निशा। इनकी बुक का नाम है अभिसार निशा। इनकी बुक का नाम है आज बोतल नहीं रखी हुई यहाँ पे, फिर बोल दो पीछे उनको। अभिसार निशा इनकी बुक का नाम है। फिर नेक्स्ट है इसके बाद गोवर्धन बाबा, लिख लिया गोवर्धन बाबा। गोवर्धन बाबा के संबंध में कुछ याद है? इनको बोतल है दुकानी भीलों का चितेरा कहा जाता है। इनको भीलों का भील जाति के ज्यादा चित्र बनाए हैं, ये वागड़ क्षेत्र से संबंधित हैं, इसलिए इनको कहा जाता है भीलों का चितेरा। इनको भीलों का चितेरा कहा जाता है। क्यों कहते हैं भीलों का चितेरा? कोष्टक में कर लेना, भील जाति से संबंधित चित्र अधिक बनाए हैं इन्होंने और इनका जो प्रमुख चित्र है वो है बारात। इन्होंने भील जाति से संबंधित चित्र अधिक बनाए हैं। इनका प्रमुख चित्र कौन सा है? बारात। इनका प्रमुख चित्र बारात है। इसके बाद नेक्स्ट है सौभाग्यमल गहलोत। इनको नीड का चितेरा कहा जाता है। इन्होंने घोंसले के चित्र ज़्यादा बनाए, पेड़ पक्षियों के जो घोंसले होते हैं उनके चित्रण ज़्यादा किए हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नीड का चितेरा। इनको नीड का चितेरा कहा जाता है। परमानंद चोयल, परमानंद चोयल इन्हें भैंसों का चितेरा कहा जाता है, यानी इन्होंने भैंसों का चित्रण अधिक किया है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? भैंसों का चितेरा। परमानंद चोयल इन्हें भैंसों का चितेरा भी कहा जाता है। ये पूछा हुआ है नीड का चितेरा किसे कहा जाता है,
ऐसे मत सोचने, फालतू ये है ये क्वेश्चन, किस मेंबर के माइंड में क्या जम रहा है जो वो पेपर बना रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन डाल सकता है, इसलिए ध्यान रखना। परमानंद चोहल को क्या कहते हैं? भैंसों का चितेरा। जगमोहन माथोड़िया, और आजकल के चित्रकार चित्र भी ऐसे ही बनाते हैं, माथोड़िया, इनको क्या कहा जाता है? स्वान का चितेरा। स्वान तो समझते हो ना, स्वान कुत्ते को बोलते हैं संस्कृत में, इनको कहा जाता है स्वान का चितेरा। नहीं 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 वो वाला नहीं, स्वान ही संस्कृत में होता है। इनको, जगमोहन माथोड़िया को कहा जाता है स्वान का चितेरा। इसके बाद है भूर सिंह शेखावत, भूर सिंह शेखावत, इन्होंने क्रांतिकारियों से संबंधित चित्र अधिक बनाए हैं, यानी 1857 की क्रांति हुई उसके आसपास के चित्रकार थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इन चित्रों का अधिक चित्रण किया, इसलिए इनको कहा जाता है क्रांतिकारियों का चित्रण इन्होंने अधिक किया है। भूर सिंह शेखावत, इन्होंने क्रांतिकारियों का चित्रण अधिक किया है। इसके बाद है कुंदनलाल मिस्त्री, कुंदनलाल मिस्त्री, इन्होंने महाराणा प्रताप से संबंधित चित्र बनाए। कुंदनलाल मिस्त्री, इन्होंने महाराणा प्रताप से संबंधित चित्र बनाए हैं। इन्होंने राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा दक्षिण भारत के एक राजा थे, इनके लिए महाराणा प्रताप का चित्र बना के दिया था राजा रवि वर्मा को। राजा रवि वर्मा ये केरल के राजा थे, साउथ के, केरल की एक रियासत है जिसका नाम है त्रावणकोर, वहाँ के राजा थे, और इनको महाराणा प्रताप का चित्र बना के दिया था कुंदनलाल मिस्त्री ने। इनको कहा जाता है भारतीय चित्रकला का पितामह है, कुंदनलाल मिस्त्री को कहा जाता है भारतीय चित्रकला का पितामह है, ठीक है। कुंदनलाल मिस्त्री भारतीय चित्रकला का पितामह कहा जाता है, राजा रवि वर्मा के लिए महाराणा प्रताप का चित्र बना के इन्होंने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट है देविकी नंदन शर्मा, देविकी नंदन शर्मा, इन्होंने प्राकृतिक चित्रों का अधिक चित्रण किया है, और इन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम है द मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट, द मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट। देवकी नंदन शर्मा, इन्होंने प्राकृतिक चित्रण अधिक किया है, और इनको कहा जाता है द मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट।
लिख लिया। तो ये तो थे अपने आधुनिक चित्रकार और उनकी कुछ विशेष चीज़ों के लिए जो फेमस थे, उनके बारे में हमने सबके बारे में देख लिया। अब राजस्थानी चित्र क्या शैली की एक ऑल ओवर अगर विशेषता पूछी जाए, 10 नंबर का कोई भी बड़ा क्वेश्चन रिटर्न में आता है कि राजस्थानी चित्र शैली की विशेषताएं लिखो, तो उसमें सारी विशेषताएं आएंगी, मेवाड़ शैली की, ढूंढाड़ की, उनियारा सॉरी हाड़ोती की, कोई भी जो चित्र शैली है उसकी जो भी विशेषता है उसको अपन कॉमन में लिखेंगे एक साथ। 10 पॉइंट अपने पास में होने चाहिए, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है कम से कम 10 पॉइंट उसके होने चाहिए। ठीक है, तो अब लिखो इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्र शैली की विशेषताएं। राजस्थानी चित्र शैली की विशेषताएं, राजस्थान की चित्रशैली, राजस्थान की चित्रशैली लोक जीवन प्रधान प्राकृतिक चित्रण, प्राकृतिक चित्रण भाव प्रधान विषय वस्तु की विविधता एवं देश काल के अनुरूप आदि विशेषताओं से परिपूर्ण रही है, नेक्स्ट एरो बना के लिखो। इसमें धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों से संबंधित चित्र भी, संबंधित चित्रों द्वारा, लोक जीवन की भावनाओं को प्रबलता प्रदान की है। थर्ड लिखो इसी में, इस चित्रशैली में महलों, किलों, हवेलियों एवं मंदिरों का चित्रण अधिक हुआ है, नेक्स्ट लाइन, यहाँ के चित्रकारों ने विभिन्न ऋतुओं का, ऋतु जानते हो ना, सर्दी, गर्मी, वर्षा, बसंत, ऐसे करके टोटल हिंदी माह में कितनी ऋतुएं होती हैं? 6 ऋतुएं होती हैं, षडमासा जिसको बोलते हैं। तो इन्होंने ऋतुओं का भी अलग अलग वर्णन किया है, इसी में लिखो। राजस्थानी चित्रकारों ने विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण कर उनका मानवीकरण किया है। मानवीकरण यानी एक वस्तु जो क्या है,
निर्जीव है और उसको हम सजीव के रूप में दर्शाएं तो वो कहलाता है उसका मानवीकरण। इन्होंने विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण कर उनका मानवीकरण किया है। नेक्स्ट लाइन, इस चित्रशैली पर मुगल चित्रशैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है। मुगल चित्रशैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है। इस चित्रशैली पर मुगल चित्रशैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में लिख लो क्या क्या मुगल प्रभाव है इस पे। अंतःपुर के दृश्य, अंतःपुर के दृश्य, अंतःपुर समझते हो ना, रानियों का जो महल होता है उसको कहा जाता है अंतःपुर। अंतःपुर के दृश्य एवं पतले या झीने वस्त्रों का प्रयोग, पतले अथवा झीने वस्त्रों का प्रयोग, तड़क भड़क इत्यादि। इनके चित्रण में, इनके चित्रण में विषय वस्तु का, विषय वस्तु का वातावरण के साथ में संतुलन देखने को मिलता है। विषय वस्तु का वातावरण के साथ संतुलन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इन्होंने प्रकृति का मानवीकरण, इन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है जिसमें मानवीय सुख दुख को, जिसमें मानवीय सुख दुख को, मानवीय सुख दुख को प्रकृति से, प्रकृति से रागात्मक संबंध रखने वाली चेतन सत्ता माना है। प्रकृति से रागात्मक संबंध रखने वाली चेतन सत्ता माना है। नेक्स्ट लिखो, राजस्थानी चित्रशैली में, लोक जनजीवन को, लोक जनजीवन को मुगल शैली की तुलना में अधिक प्रभावपूर्ण प्रभावपूर्ण रूप से दर्शाया है। राजस्थानी चित्रशैली में लोक जनजीवन को मुगल शैली की तुलना में अधिक प्रभावपूर्ण रूप से दर्शाया है। नेक्स्ट, इसमें नारी सौंदर्य का चित्रण भी, इसमें नारी सौंदर्य का चित्रण भी अत्यधिक मनोरम रूप से किया गया है।
इसमें नारी सौंदर्य का चित्रण भी अत्यधिक मनोरम रूप से किया गया है। ठीक है, तो ये अपनी चित्रशैलियाँ कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो राजस्थान की कलाएं हैं। कलाओं में देखेंगे हम एक क्षेत्र विशेष में कोई जगह किस कला के लिए फेमस रहा है। जैसे किसी जगह अभी माथेरना कला पढ़ी थी, अभी चित्रशैलियों में पढ़ा था उस्ता कला पढ़ी थी, और कुछ जगह पे थेवा कला है, अजरक प्रिंट है, ये कौन सी जगह की क्या चीज़ फेमस है, ये सारी कलाएं एक साथ देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है राजस्थान की कलाएं। राजस्थान की कलाएं, और फर्स्ट हम ले रहे हैं थेवा कला। थेवा कला समझते हो क्या होती है? जो पानी पियो, जिसको पी के आना है, फटाफट से आ जाओ।